अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। बादरी खान में बादरी खान ब्लॉग के साथ आज आप दोस्तों के लिए एक नया ब्लॉग लेके आए हैं। आज हम सुबह सुबह उठे हैं और हमारे जो है करीबी दोस्तों ने प्रोग्राम किया है मरी जाने का नसिया गली, तो हम जो है नसिया गली जा रहे हैं और आपको वहाँ के नज़ारे भी दिखाएंगे। आपने बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये हमारे जो है ना भाई जान अभी तैयारी कर रहे हैं और ये हमारे नैन भाई हैं जी। अच्छा, हमारे साथ ये मलिक कैसर साहब, कैसर साहब इधर देखे ना जी, देखो जी कैसर साहब, ये जो है कि वो जटों वाला काम कर रहे हैं वो इसमें जो है ना ज़्यादा माहिर हैं। और ये साथ हमारे गुलशेर भाई, गुलशेर भाई बिक्री का निशान बताएं आप। सलमान खान तो आपको वीडियो में बताते चलें कि हम जा रहे हैं जी नसिया गली, और नसिया गली का जो रास्ता है वो सेम है जो आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में चेक किया था कि जो हम अम्ब्रेला वाटरफॉल गए थे वही रास्ता है, वही ट्रैक है, सारा वही चीज़ें हैं। सिर्फ ये है कि वो यहाँ से जो रास्ता अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए जो इलाज होता है वो हम आपको वीडियो में दिखाएँगे, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये सचिकोट बाज़ार में हम पहुँच आए हैं जी, और सचिकोट बाज़ार से हम जब आगे जो रास्ता समुंदर कठा झील वाली साइड जाता है वो नसिया गली वाला ट्रैक है, हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये सब जो सचिकोट वाला ट्रैक है बिल्कुल सेम यही है रास्ता, देख रहे हैं आप लोग यहाँ से जो है यहाँ इधर वापस आ। ऑन द वे टू नसिया गली जी, चेक करें जी आप लोग का जो व्यू है वो आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त है। अभी हम सचिकोट का जो रास्ता है यहाँ से जो है ना आगे लद होने वाले हैं नसिया गली वाले ट्रैक पे। नहीं आए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है जी, देखें आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। और ऑन द वे टू समंदर कठा झील जी, चेक करें जी व्यू, चेक करें आप माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। अभी हम आपको इंशाल्लाह समंदर कठा झील दिखाएँगे जो कि सचिकोट से तकरीबन मेरे ख्याल से 8 से 9 किलोमीटर आगे बनती है, बल्कि इससे भी कम बनती होगी, लेकिन क्योंकि गाड़ी पे थोड़ा सा सफ़र करते वक्त बंदे को समझ आती है, लेकिन बाइक पे इतना टाइम नहीं लगता। और बहुत ही मज़े के जो है ना यहाँ पे ट्रैक हैं। क्योंकि हम जिस बाइक के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं वो सॉरी गाड़ी पर जा रहे हैं वो बाइक से कम भी नहीं चलाते, आप बंदा तारफ भी करवाएंगे, ऐसे ये किसी तारफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी इंशाल्लाह आपसे इतनी गपशप जरूर करवाएंगे। करें मौसम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ये सारा जो है ना वो कलाबाग रोड है, ठीक है, तो कलाबाग रोड की जो है मुसाफत तकरीबन कुछ लोगों को तो नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एबटाबाद वाली साइड से जाते हैं ना नसिया गली, लेकिन जब हम नसिया गली जाते हैं यहाँ से तो रास्ते में सुंदरकंठ झील आती है ना। इसको बोलते हैं जी समुंदर कठा जी, चेक करें जी, चेक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नेचर का व्यू है। ये है जी समुंदर कठा जी, ये रास्ता आता है कलाबाग रोड वाली साइड से। नेचर के कुछ सीन कैप्चर करें जी, ये देखें
अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मैंने आगे व्यू दिखाया था और फ्रंट लाइन से अब मैं जो है ना गाड़ी के पीछे आ गया हूँ और जो हमारे भाई हैं अली खान वो आपको जो है ना सारा लोगों का तारफ भी करवाएंगे और साथ ही जो है यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाएंगे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं अली खान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम सुनने वालों को अली खान की तरफ से अस्सलामुअलैकुम, साथ दनियाल जेब की तरफ से भी। सैफ अली खान, दनियाल जेब हमारे बहुत ही कीमती भाई हैं, बहुत ही कीमती भाई हैं। इन्होंने बहुत सारे मुतअद्दद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, इस्लामाबाद में बड़ा नाम है इनका, ATS क्वालिफाइड है माशाल्लाह, और एक अच्छे पुलिस अफ़िसर हैं, आवाम दोस्त पुलिस अफ़िसर हैं और अच्छी जैसे कहते हैं ना अपनी सर्विस कर रहे हैं। तो यही है कि सैफ अली खान भी आपको पता ही है, जैसे ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैफ अली खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के भी पाकिस्तान एक सैफ अली खान इंडिया के हैं जो कि नवाब ऑफ पटौदी हैं, दूसरे हमारे हैं माशाल्लाह। आज इबाद अली की तरफ से हम सब जा रहे हैं नथिया गली, तो हमारे साथ काफी भाई दोस्त मौजूद हैं जो कि पहली दफा नथिया गली जा रहे हैं। हम धक्का लगाने के लिए उतरे हैं, चलो जी कालाबाग एयरवे से पहुँच जाए हैं जी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू बना हुआ है ज़हर खान, इनकी ये नेक्स्ट में शादी भी है और ये इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम मशकूरी टॉप की तरफ जा रहे हैं जी और हमारी जो गाड़ी है वो इतने ज़्यादा बंदों को लेकर नहीं चढ़ सकती थी और वापस हमें रिसीव करने भी आ गई है। देखें हम सब चल के जा रहे हैं, गाड़ी फिर वापस आ गई है। तो हमारा प्लान था जी मशकूरी टॉप पे जाने का और अभी हम जो है बिल्कुल डुमा गली पहुँच आए हैं और यहाँ पे आके हमने ये फैसला किया कि हम खाना वगैरह पकाएंगे और खाएंगे और यहाँ से फिर हमारा जो है माइंड मशकूरी टॉप के लिए बनाया। तो अभी हमने गाड़ी खड़ी की है एक जगह और अभी हम यहाँ पे खाना पकाएंगे और आपको जो मेरे पीछे जगह नजर आ रही है ये उन्होंने जगह डिसाइड की है खाना पकाएंगे। दो शेर खान बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं जी। मनी आपने बहुत बड़ा पकड़ा हुआ है पाइप, कैसे कोई आपने क्या पकड़ा हुआ है पाइप? ओए काला पूछा हस्ता काला है जरा। जगते हैं सभी बल्ले बल्ले आज क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी एहसास है लेकिन फिर भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। साथ की लड़कियाँ वो इधर जो है साथ वो वापस आते हैं, वापस आ गए हैं जी। नैन बेटा भी साथ आ गए अली भाई जगे हुए हैं जी, अली भाई से देखें एक दफा जी। मलिक साहब आप कर ये होना भी नहीं आने। ये देखें जी उस्मान भाई जो कि चिकन को तैयार कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं चिकन की, और सैफ अली खान जो हैं वो प्याज को तड़का लगा रहे हैं।
ਤੋਦੀ ਅਲੀ ਰਾਤੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਨੀ ਖਾ ਤੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਹ ਉਹ ਖੈਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ ਆ ਔਰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਜੀ लगे हुए मानी को मानी को जो है ना वो ठंड लगी हुई है बहुत ही ज्यादा और अली जो है वो काम को बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं अली खान इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी लगे हुए हैं बारिश ज्यादा होने की वजह से सैफ खान जो है कितने अंदर शिफ्ट कर दिए आप हमारा निजाम चेक करें जी नैन ये आप इसे उठाए जरा सा मैं अपने गाइस को दिखा दूँ ये वाला चीज ये देखें जी बहुत ही जबरदस्त ये देखें हमने सुजुकी को जो है निशात किचन बना अली खान आपको सैफ किचन कैसा लगा आपको सैफ लग रहा है सैफ खान की सरप्राइज में फोन करने का बड़ा मजा आया कि सैफ अली खान बहुत ही मुदब्बर किस्म के इंसान है माशाल्लाह बड़े बड़े किचन को नहीं आता बाकी ये अगले की मां आप इस चीज का अंदाजा लगा रहे ट्रेनिंग चाहिए आप अंदाजा लगा रहे कि उन्होंने बड़े-बड़े किचन के साथ में मौका दिया उसको लो जहर खान को देखें जी ये बहुत ही जो है ना खुशगवार मूड में है अभी तो जो है जबरदस्त किस्म का तो अभी हम जो है ना खाना पका रहे थे और हमारा जो है नमक घर में रह गया है और जो कि सैफ किचन वाले जो हैं उनके पास नमक ही नहीं रहा और अभी हम जो है किसी को लीक के पास से जो है नमक मांगने जा रहे हैं आपको दिखाएंगे कि वो हमें नमक देते हैं या नहीं देते अस्सलाम वालेकुम भाई जान हमारा नमक घर में रह गया थोड़ा सा नमक मिल जाएगा नमक है थोड़ा सा पकड़ी है थोड़ा सा ही बस डाल के देने थोड़ा सा डाल दो नहीं नहीं वो तो बहुत ज्यादा बारिश लगी हुई है लेकिन हमारे पास वो एक शीट थी वो डाली बस जरा सही डालने बस काफी है आपने डाला है या अभी नहीं हरी हरी ओम हरी ओए ना करो अभी ये देखिए ये अपने दोस्त को फेंक रही है छठ ना छठ कैच कर दिया नवाज शरीफ ये लो और अभी जो है ना ये हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है और उस्मान खान जो है ये जगह को डिसाइड कर रहे हैं कौन सी जगह पे जो है ना ये जगह डिसाइड की है हमने इधर हम चटाई बिछाएंगे इंशाल्लाह जगह दिखाएंगे जी क्योंकि अभी धूप का इंतजार कर रहे हैं धूप शुक्र है धूप आई है बहुत ठंड होगी इसे अभी यहाँ पर और भूख भी सबको लग गई है तकरीबन 3 बजे का टाइम है दिन के तो अभी हम आपको जो है ना हमने जो बिरयानी तैयार की है वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है आपको ये हमारा व्लॉग बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह बिरयानी रास्ते में जा रहे हैं जी और हमारे साथ जो हमारे कोलीग्स हैं वो सारे पहुंच आए हैं उस्मान और बाद अली इंशाल्लाह 40 खान है 40 मिनट में पहुंच जाएंगे हम दोनों ये सारे हमारे साथ चल रहे हैं हम अभी मशकूरी का जो ट्रैक है इसके ऊपर जा रहे हैं और जब हम ट्रैक पे पहुंचेंगे तो आपको वहाँ आगे का मंजर दिखाएंगे अभी क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा है तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा इंशाल्लाह सुबह हम आए थे लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी जिसकी वजह से हम वापस चले गए थे अभी हम आए हैं खाना वगैरह पका के खा के तो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अच्छा तो रास्ता थोड़ा हम जो है ना आधा रास्ता सर्व कर रहे हैं और अभी जा रहे हैं लेकिन जो हमारे साथ वाले लड़के हैं वो पीछे रह गए क्योंकि उनमें से कोई जो थे वो बाहर के लिए भी ट्राई कर रहे थे और उन्होंने साथ ही जो ने इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू कर दी हैं वो भी उनके लिए बगैर आवाज़ के उनके अभी जो है चढ़ना मुश्किल हो गया है तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ रही है
आपका नाम? हमजा हैदर। अब्दुल्ला हैदर, कहाँ से आए आप? लाहौर से। कैसा लगा आपको मशहूर था? बहुत जबरदस्त। ट्रैक कैसा है? ट्रैक बहुत अच्छा, बारिश की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई। अच्छा, बाकी ऊपर जाते हुए कोई मुश्किल, कुछ स्लिपरी वगैरह है ऊपर? अभी है, बारिश की वजह से स्लिपरी हो गई। अच्छा, बाकी आपको व्यू कैसा लगा है? बहुत खूबसूरत। अच्छा, चलें ठीक है, जा रहे हैं जी। हम एक और भाई मिले हैं जी। भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ये मेरा नाम अब्दुल मोहित है। अब्दुल मोहित, आप कहाँ से आए? किस तरह आपको लगा ये ट्रैक? बहुत, आगे आप जाएंगे आपको पैसे सुनना होगा तो बात करना, बहुत अच्छी है। रास्ता थोड़ा सा बारिश की वजह से काफी स्लिपरी बनी हुई है, तो स्लिपरी बनी हुई है जिसकी वजह से चल नहीं जा सकता बंदा। तो अभी जो के पहले भाई हैं वो भी पहुंच आए हैं जी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि ये इंग्लिश ज़्यादा सीख रहे हैं तो ये चल नहीं सकते आजकल, तो ये भी पहुंच आए हैं। बाकी ये हमारे साथ देखें शेरी भाई जी, बिल्कुल थके हुए हैं। अभी हम जो है मशकूल टॉप के ऊपर पहुँच आए हैं, आपको मशकूल टॉप का जो है व्यू दिखाएंगे। खास ये मशकूरी का जो है ना बिल्कुल टॉप आ गया जी, हम बिल्कुल इसके ऊपर टॉप के ऊपर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे व्यू है जी। इसमें तमाम अपने व्यूज़ को ये कहूँगा कि आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस के ऊपर आएँ। मशकूरी टॉप का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है जी, चेक करें माशाल्लाह, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये देखें जी, चाय का सिस्टम इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है मशकूरी टॉप के ऊपर। तो ये देखें जी, एक मिनट के अंदर अंदर इन्होंने चाय तैयार कर दी है, ये देखें जी।